हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कुमार विनय और जस्ट नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने ओशनियोग्राफी शुरू किया था, मीन्स हम लोगों ने समुद्र विज्ञान को पढ़ना आरंभ किया था। और उसके सबसे पहले अध्याय में हम लोगों ने ओशियन बॉटम रिलीफ, मीन्स जो हमारे सागर नितल उपजावच है, उनके बारे में पढ़ा था। मीन्स हमारे सागरों के नीचे किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग महासागरों के उपजावच के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम लोग एक बार इन उपजावचों के बारे में पढ़ चुके हैं, इन स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फिर से हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिलेबस डिफाइन किया गया है, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट लेवल का हो, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि हमें किसी पार्टिकुलर महासागर के उपजावच के बारे में, उसका तलीय उपजावच कैसा है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारे तीन महत्वपूर्ण और मुख्य महासागर हैं, उनके तलीय उच्चावच, मीन्स उनके बॉटम रिलीफ के बारे में जानेंगे। देखिए, वो तीन जो हमारे महासागर हैं जिनके बारे में हमें जानना है, वो हमारा पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर, मीन्स इंडियन ओशियन। लेकिन हम लोगों ने जो पिछला भाग पढ़ा था, मीन्स हमने महासागर का जो उच्चावच पढ़ा था, उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे। उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो इसीलिए उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग इसको डिटेल में करते हैं। देखिए, ओशियन बॉटम रिलीफ में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इन सब के अलावा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सेशल प्लेन, अब्सिसल रेंज में, नेथल पहाड़ियाँ, नेथल मैदान, महाद्वीपीय निमग्न तट, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसमें दो तीन पॉइंट हमारे छूट गए थे, मीन्स एक गर्त क्या होता है और जलमग्न कैनियन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग महासागर के उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्त की, कि आखिर में गर्त क्या होता है। गर्त के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको गर्त के बारे में बताया था। गर्त जो होते हैं वो हमारे महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर ओशियन इज कॉल्ड ट्रेंच। और इनकी ऊपर उत्पत्ति भी विवर्तनिक होती है, मीन जहाँ पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के बीच में कोलिजन होता है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब कोलिजन होता है तो जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, तो इस तरह से वो सबडक्ट हो जाती है इसके नीचे, और वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के हमारे मेंटल में पहुंच जाती है और वहीं पर निर्माण होता है गर्तों का। ठीक, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो टेक्टोनिक है, मीन्स विवर्तनिक है, और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्तें पाई जाती हैं। क्यों, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जलमग्न कैनियन की, कि आखिर में सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं। देखिए, जब हमने अपरदन का प्रोसेस पढ़ा था, मीन्स इरोजन, प्रोसेस ऑफ इरोजन पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वी शेप की वैली होती है वहीं पर निर्माण होता है कैनियन का। तो कैनियन को मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि इसको हम लोग ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी नदियाँ हमारी महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, वो किसी ना किसी सागर या महासागर में जाकर के गिरती हैं। उसी प्रकार से जब हमारी नदियाँ इस तरह से सागरों के भाग में पहुँचती हैं, तो यहाँ पर जब ये महासागरों में प्रवेश करती हैं, उसके दौरान महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल पे, महाद्वीपीय उत्थान पर और नितल मैदानों में ये अपनी बेग के कारण में कुछ गड्ढे नुमा आकृति उत्पन्न कर देती हैं। मीन जो हमारा ये भाग है, इसमें एक गड्ढे नुमा आकृति उत्पन्न हो जाती है और इस तरह से इसकी गहराई बढ़ जाती है, तो एक गहरे सकरे गड्ढे की तरह दिखाई देता है, जिस भाग से होकर के नदियों का जल महासागरों में प्रवेश करता है। तो ये अपनी स्पीड के कारण, अपनी गति के कारण ये यहाँ पर इरोजन करती हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल इरोजन भी करती हैं और वर्टिकल इरोजन भी करती हैं, जिसके कारण पे यहाँ पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग जलमग्न कैनियन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जब बी शेप की घाटी फॉर्म होती है, मीन्स बी शेप वैली का जब फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर उसे हम लोग गहरा जॉर्ज कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बताया था। तो तट के ये लंबोत होती हैं, उसके अलावा यह जैसे हमारा तट हुआ, इसके ये हमेशा लंबोत होंगी। उसके अलावा बड़ी नदियों की मुहाने पर पाए जाते हैं, जैसे अलास्का में कैनियन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे बेरिंग, प्रिविला। उसके अलावा जो हमारे मिसिसिपी, मिसौरी नदी है यूएसए की,
उसके अलावा अगर हम बात करें गंगा की, सिंधु की, तो ये सब भी जलमग्न कैनियन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद में हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर के तलीय उच्चावच की, मीन्स ओशियन बॉटम रिलीफ ऑफ द पैसिफिक ओशियन, इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा प्रशांत महासागर का मानचित्र है। अब इससे आपको एक फायदा ये भी होगा कि मानचित्र का बार बार ओशियनोग्राफी में जिक्र आएगा, जिससे आपको मानचित्र की जो बहुत सारी चीजें हैं वो ऐसे ही याद हो जाएंगी। उसके अलावा आप लोग उच्चावच के बारे में तो समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर हमारे सभी महासागरों में, जो हमारे पांचों महासागर हैं उनमें सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक, और जो हमारे पूरा पृथ्वी है इसके लगभग एक तिहाई भाग पर ये फैला हुआ है। मीन्स अगर इसके हम यहाँ पर जलमग्न तटों को भी मान कंसीडर करें तो ये लगभग एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है पूरे पृथ्वी के। उसके बाद में इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग मान के चलिए 4500 मीटर है। ठीक, हमारे जितने भी महासागर हैं उनमें सबसे ज़्यादा गहरा यही है, प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा गहरा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसकी जो आकृति है वो ट्रायंगुलर शेप है। आप लोग देख रहे होंगे इस तरह की इसकी आकृति है, तो ये इसकी आकृति जो है वो ट्रायंगुलर शेप है। इसके सीमाओं पर तटीय सागर और खाड़ियाँ पाई जाती हैं, तटीय सागर और खाड़ियाँ पाई जाती हैं। मीन जो यहाँ पर रीजन है, जैसे कि आप लोग जानते हो ओकोस्टक सागर यहाँ पर है, उसके बाद में जापान सागर हुआ, येलो सी हुआ, उसके बाद में साउथ चाइना सी हुआ, फिर यहाँ पर फिलीपींस सी हुआ, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हम आएंगे तो यहाँ पर जावा सागर हुआ। तो इस तरह से इसके जो तटीय भाग हैं और यहाँ पर सागर पाए जाते हैं। जो हमारे प्रशांत महासागर में एक और सबसे अच्छी बात है वो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, और इन द्वीपों की संख्या लगभग 20,000 है। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 20,000 है। यहाँ पर कुछ द्वीपों के समूह पाए जाते हैं जिसे हम लोग संयुक्त रूप से ओशिनिया कहते हैं, जैसे यहाँ पर माइक्रोनेशिया हुआ, उसके बाद में मेलानेशिया हुआ, पॉलिनेशिया हुआ और ऑस्ट्रेलिया। इसको हम पूरा संयुक्त रूप से मिला करके ओशिनिया कहते हैं। इसमें 22 देश हैं। 22 देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक महाद्वीप भी है। उसके अलावा सबसे छोटा जो देश है उसका नाम है नौरू। इसके बारे में हम लोग ओशिनिया का जब मानचित्र अध्ययन करेंगे तो उसमें और डिटेल में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 20,000 है। इसके मध्य में प्रवाल द्वीप भी पाए जाते हैं। प्रवाल द्वीपों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर में कोरल रीफ से कैसे द्वीप का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं। अब ज्वालामुखी द्वीप क्यों पाए जाते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया है प्लेट टेक्टोनिक्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को डिटेल में देख लीजिए, तो आपको ये जो द्वीप पाए जाते हैं इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा प्रशांत महासागर के तल में बहुत सारे ट्रेंचेज मीन्स गर्त पाए जाते हैं। अभी तक प्रशांत महासागर में लगभग 33 गर्तों के बारे में भूवैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। इन 33 गर्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण गर्त है वो है मेरियाना। मेरियाना को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर हमें यही ध्यान रहता है कि मेरियाना गर्त सबसे गहरा है, जो कि इस रीजन में लोकेटेड है, यहाँ पर फिलीपींस के पास में ये लोकेटेड है, और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। मीन्स 11 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त ये माना जाता है, या विश्व का सबसे गहरा गर्त ये है। तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें दक्षिण पूर्व में चौड़े जर्मन कटक तथा पठार पाए जाते हैं। अब दक्षिण पूर्व की बात करें तो मीन्स इस रीजन में, ये जो आप डिस्ट्रक्टिव फीचर एक देख रहे होंगे यहाँ पर, इसे हम लोग कटक कहते हैं। प्रशांत महासागर का जो कटक है ये मैक्सिको से होते हुए, उसके बाद में यहाँ पर पॉलिनेशिया द्वीप के बगल से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से होकर यहाँ पर इंडियन ओशियन में मिल जाता है। ठीक है, तो इसके दक्षिण पूर्व भाग में चौड़े जलमग्न कटक पाए जाते हैं और पठार भी पाए जाते हैं, प्लेट्यू भी पाए जाते हैं। इसी के कारण यहाँ पर प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो कटक के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण भी विवर्तनीक है, और इसके बारे में भी मैंने आपको मिड ओशनिक, जो अभी अटलांटिक ओशन में हम पढ़ेंगे उसके बारे में बताया था कि यहाँ पर जो लावा होता है वो बहुत ही स्मूथली बाहर आता है। मीन जो हमारी महासागरीय
भूपर्पटी होती है उसमें बेसाल्ट की अधिकता होती है, और बेसाल्टिक लावा जब बाहर आता है तो बहुत ही स्मूथली आता है। मीन्स जब हमने बताया था कि एंडेसाइटिक लावा जो होता है वो जब बाहर आता है, एंडेसाइटिक मैग्मा जब बाहर आता है, सॉरी, जब लावा अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। तो बेसिकली हम मैग्मा की बात करेंगे, मीन बेसाल्टिक मैग्मा जब बाहर आता है, बेसाल्टिक चट्टान, बेसाल्टिक रॉक्स जब बाहर आती है तो उसके वो बहुत ही स्मूथली बाहर आती है, उसी के कारण में इन सभी गर्तों का निर्माण, या सॉरी, इन सभी कटकों का निर्माण हुआ है महासागरों के अंदर। तो ये हमने बात कर ली प्रशांत महासागर के तलीय उच्चावच की। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटलांटिक महासागर के तलीय उच्चावच के बारे में। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर के तलीय उच्चावच के बारे में बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी कि ज्योग्राफी में चित्रों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए आप लोग चित्रों के जरिए भी इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं लिखित पेपर होगा तो वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जो हम शब्दों में नहीं कह पाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बहुत सारी बातें आँखों के, सॉरी, कहने के बजाय आँखों से कह देते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी बातें हम लिखने के बजाय उनको चित्रों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे अब अटलांटिक महासागर के तल के उच्चावच के बारे में, मीन्स ओशियन बॉटम ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक महासागर के बारे में बात करें तो थोड़ा मैप स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा हुआ उत्तरी अमेरिका, ये हमारा हुआ दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर यहाँ पर ब्रिटिश आयरलैंड हुआ, मीन्स यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर आयरलैंड है, उसके अलावा यूरोप है, यहाँ पर पुर्तगाल, फ्रांस, उसके बाद में अफ्रीका के यहाँ पर देश पाए जाते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है इसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है वो यश अक्षर के आकार, अंग्रेजी का जो यश अक्षर होता है, देखिए इस तरह से, तो यश अक्षर के आकार में इसकी आकृति पाई जाती है। देखिए जब हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इसकी जो आकृति है वो बढ़ती जाती है, लेकिन विषुवत रेखा के पास में, मीन्स जहाँ पर रीजन आप लोग दे रहे होंगे, तो इस रीजन में इसकी जो आकृति है वो कम हो जाती है, मीन्स ये यहाँ पर पतला हो जाता है। ठीक है, तो आकृति इसकी यश आकार में होती है। उसके बाद में सर्वाधिक महाद्वीपीय निम्न तट पाए जाते हैं, मीन्स मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल सेल्फ वेयर प्रेजेंट, सॉरी, विल बी प्रेजेंट इन अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ या महाद्वीपीय निमग्न तट पाए जाते हैं वो उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं, मीन्स यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी के पास करें, या यहाँ पर फंडी की खाड़ी है, मीन्स न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, उसके अलावा इस रीजन में यहाँ पर निमग्न तट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में। इसके जो तटीय सागर है वो हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है और उत्तरी सागर है। बाल्टिक सागर आप लोग जानते होंगे यहाँ पर नॉर्वे के पास है, यहाँ पर उत्तरी सागर है। तो इस तरह से यहाँ पर सागरों का विस्तार हुआ है। सबसे पहले जो कटक खोजा गया था, मीन जो कटक सबसे पहले खोजा गया था वो यही कटक था, मीन हमारे अटलांटिक ओशियन का जो कटक था यही कटक सबसे पहले खोजा गया था, मिड ओशियनिक रिज, इसी के नाम पर इसका नाम दिया गया था क्योंकि सबसे पहले खोजा गया था। और ये उत्तर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको उत्तर में हम लोग इसका नाम देते हैं डॉल्फिन कटक, और यहाँ से दक्षिण में इसका नाम देते हैं हम लोग चैलेंजर कटक। चैलेंजर का नाम एक बार फिर से आ गया, तो चैलेंजर को आप लोग ध्यान रखिएगा कि चैलेंजर एक मेरियाना गर्त का भी नाम है, और चैलेंजर हम कहते हैं अटलांटिक महासागर के कटक को भी हम लोग चैलेंजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी और बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है। ये यहाँ पर ग्रीनलैंड से लेकर के इस रीजन तक फैला हुआ है, और यहीं से ये बढ़ते हुए फिर जाकर के इंडियन ओशियन में मिल जाता है, कैसे हम लोग अभी देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रशांत महासागर का जो कटक था वो भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग से होते हुए इंडियन ओशियन में आता है, उसी प्रकार से जो हमारा मिड ओशियनिक रिज है, मीन्स मध्य अटलांटिक कटक है, ये भी साउथ अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से होता हुआ इंडियन ओशियन में आकर के मिल जाता है। फिर यहाँ पर टेलीग्राफिक पठार भी पाए जाते हैं, मीन्स यहाँ पर उत्तर में जलमग्न यहाँ पर टेलीग्राफिक पठार भी पाए जाते हैं। कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ पाए जाते हैं,
तो ये अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इसका जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर कैरेबियन प्लेट है, मीन्स कैरेबियन आइलैंड है, और इसी के पास में ये पाया जाता है। इसका नाम है प्यूर्टो रिको गर्त या प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ध्यान रखिएगा कि ये गर्तों में सबसे ज़्यादा गहराई के मामले में चौथे नंबर पर है। मैं सबसे पहले मेरियाना है, बीच में दो गर्त है, उसके बाद में प्यूर्टो रिको गर्त है जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक, तो अटलांटिक महासागर के तल के उच्चावच के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हिंद महासागर की तल के उच्चावच के बारे में। तो अगर हम बात करें हिंद महासागर के तलीय उच्चावच के बारे में, उससे पहले हम लोग थोड़ा एक बार मैं अपनी स्टडी फिर से कर लेते हैं। ये हमारा हुआ अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, उसके बाद में ये हमारा हुआ अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, यहाँ पर लंका है, अंडमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, उसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, ये हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया, और ये जो पूरा रीजन है इसे हम लोग देखते हैं इंडियन ओशियन। यहाँ पर एक द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं मेडागास्कर, अफ्रीका का ये द्वीप है या अफ्रीका का ये देश है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पाया जाता है, मीन्स निम्न तट जो पाए जाते हैं, ये बहुत ही संकरे हैं, मीन्स बहुत ही इनकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी चौड़ाई लगभग मान के चलिए 100 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के अगर हम पूर्वी तट में जाएंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग 50 मीटर है, 50 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम पश्चिमी भाग में जाएंगे तो यहाँ पर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई मानी जाती है निमग्न तटों की। फिर अगर हम बात करें गहराई की कि हिंद महासागर की गहराई औसत गहराई कितनी है, तो इसकी औसत जो गहराई है लगभग 4000 मीटर है। मैंने आपको शायद अटलांटिका के बारे में नहीं बताया, अटलांटिक महासागर के बारे में नहीं बताया, उसकी जो गहराई है वो लगभग 4500 के आसपास उसकी भी गहराई है, 4500 के ही आसपास उसकी भी गहराई है। उसके अलावा गर्त की बात करें, ट्रेंचेज की बात करें, तो ट्रेंच लगभग ना के बराबर पाए जाते हैं, सुंडा और डायमेंटिना इसके अपवाद है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा जावा है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, मीन्स कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इज लोकेटेड ऑन दी जावा आइलैंड। तो यहाँ पर एक गर्त है जिसका हम लोग नाम देते हैं सुंडा गर्त या जावा गर्त। सुंडा एक प्लेट है जो कि ये जो 2004 में सुनामी आई थी उसके लिए जिम्मेदार है, मीन्स ये हमारी इसका टकराव हुआ था यहाँ पर वर्मा की प्लेट से, जिसके कारण में सुनामी आई थी, जिससे भारत, श्रीलंका और बहुत सारे देशों में इसका प्रभाव देखा गया था। तो यहाँ पर एक सुंडा गर्त है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक गर्त है जिसका नाम है डायमेंटिना। ध्यान रखिएगा कि डायमेंटिना के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि किस ईयर पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स के पेपर में ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था। हालांकि डायमेंटिना और सुंडा में सबसे ज़्यादा गहरा जो गर्त है वो हमारा है सुंडा गर्त। यहाँ पर एक नए कटक की खोज हुई है जिसका नाम है कार्ल्सबर्ग, और ये जो कार्ल्सबर्ग है ये अरब महासागर में पाया जाता है, और ये अरब सागर में पाया जाता है, और ये अरब सागर को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक द्वीप है मेल सॉरी मालदीव, जिसकी राजधानी मेल है। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, बेसिकली इनका जो निर्माण हुआ है ये महाद्वीपों के कारण ही हुआ है। आप लोगों को जब मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये पहले हिस्सा था इस पार्ट में, मीन्स पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और एक ही महासागर था पैंथालासा। धीरे धीरे इनमें विखंडन हुआ, लारेंसिया उत्तर की तरफ गया, गोंडवाना लैंड दक्षिण की तरफ आया, तो भारत हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो पहले अफ्रीका के इस छोर पर जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब विवर्तनिक हलचलों के कारण में प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से मूव किया, तो इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर छूट गए, और उसी के कारण यहाँ पर द्वीपों का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से जो द्वीप पाए जाते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, पश्चिमी रीजन में। पूर्वी रीजन में द्वीपों की संख्या लगभग ना के बराबर है, हालांकि यहाँ पर इंडोनेशिया के लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का, श्रीलंका, मेडागास्कर, इस तरह से ये द्वीपों के उदाहरण है। ठीक, तो हिंद महासागर का तलीय उच्चावच हो गया। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ओशियन करंट एंड ओशियन वेव्स, मीन महासागरीय तरंग और धारा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऐसे कुछ चीज़ें हमको क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी मिलेंगी। इस तरह से आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।